हेलो दोस्तों, आज हम चिली पनीर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच एरा रूट पाउडर ले लिया है, फिर 1 चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, स्वाद अनुसार हम डालेंगे यहाँ पे नमक, हल्का सा, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो रेड चिली पाउडर है और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए अरारूट पाउडर में। ये हो गया। अब इसमें मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी। एक ही बार में नहीं डालेंगे हम, क्योंकि लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसमें पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका एक अच्छा सा मिक्सर बनके तैयार हो चुका है। अब पनीर मैंने चॉप करके पहले से ही रखा हुआ था, तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी कोटिंग के लिए। पनीर को कोटिंग करके अलग से एक पैन में ऑयल रखेंगे हम। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम पनीर डालेंगे, जिसको हमें हल्का शैलो फ्राई करना है। पनीर को डाल के हल्का सा इसको शैलो फ्राई करूंगी। ये देखिए, इसको मैंने सेक लिया दोनों साइड से। ये थोड़ा सा ओवर कुक हो गया, पर इसको थोड़ा लाइट ही हमें शैलो फ्राई करना है। ये हो गया मेरा दोनों शैलो फ्राई। अब मैंने अलग से ना ऑनियन और कैप्सिकम कटिंग करके रखा हुआ था, अब मैं इसको भी फ्राई कर दूंगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना हमें, हल्का रोस्ट करना है। इसको हम अच्छे से पका लेंगे हल्का सा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिली, ग्रीन चिली। फिर इसमें हल्का सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला है, इसलिए यहाँ पे हम नमक थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। फिर यहाँ पे हम डालेंगे चिली सॉस। आप टमाटर सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला। आप क्वांटिटी के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने पनीर को जो कोटिंग करके हमने फ्राई कर दिया था, उसको ऐड किया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही करना है हमें, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो हमने अच्छे से कर लिया है, अब ये पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए, देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था ये। आप भी ज़रूर अपने घर पर ट्राई करिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, बहुत कम समय में बन के ये तैयार हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।